हेलो दोस्तों, क्वाड ग्रुप ठीक है, इसके अंतर्गत है इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 2004-07 के बीच में इसका गठन हो गया था। 2017 में ये एक्टिव हो गई। ठीक है, 2017 में ये एक्टिव हो गई। इसके पीछे क्या रीजन है, देखिए मान लीजिए ये इंडिया है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं चाइना है। ठीक है, चाइना काफी बड़ा प्रोविंस है। क्या होता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कई लोग चाहते हैं ना कि कोई एक शक्तिशाली देश ना रहे। जैसे कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो दो ध्रुवों में देश बट गए, विश्व पूरा बट गया, एक रशिया के साइड, एक अमेरिका के साइड। ठीक है, और ये लोग सामने डायरेक्टली कभी लड़ाई नहीं हुई, इसीलिए इसे कोल्ड वॉर की संज्ञा दी जाती। कोल्ड वॉर मतलब वॉर की सिचुएशन रहा, लेकिन कोल्ड सिचुएशन रहा, दैट्स व्हाई ये कोल्ड वॉर के रूप में ये जाना गया। ठीक है, लेकिन क्या होता है, दोनों की होड़ होने लगी। अब क्वेश्चन आता है कि दोनों में हथियार क्यों बना। मैं क्वाड में आता हूं, लेकिन आप समझिए इस बात को, दोनों में हथियार क्यों बना, क्योंकि जब एक ग्रुप बनता है और आपको पता चल जाए कि दोनों में तनातनी हो गई है तो आप डर के मारे हथियार जमा करने लगते हैं। और इन लोगों ने क्या प्रचार किया, देखिए माइंड गेम। या तो अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम उसके साथ हो, या तुम उसके साथ हो तो तुम मेरे साथ नहीं हो, बीच बीच में कुछ नहीं। लेकिन पंडित नेहरू जी भारतीय परंपरा से पले बड़े रहे हैं, भाई खून का असर तो होता ही है। इन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट बोला, ना है हम आपके साथ हैं ना आपके साथ हैं, हम अलग रहना चाहते हैं, हम गुट निरपेक्ष मतलब हम अलग रहना चाहते हैं। तो दो ध्रुव में बट गया। तो कोल्ड वॉर लंबे समय तक चला, काफी खींचातान हुआ। ठीक है, वो लोग उधर डायरेक्ट कभी वॉर नहीं हुआ, अगर डायरेक्ट वॉर होता तो बहुत विनाश होता, बहुत ज्यादा विनाश होता। वर्ल्ड को ये तो समझ में आ चुका है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगले का नुकसान होगा, हमारा भी बहुत नुकसान होगा। फिलहाल इंडिया भी अभी बहुत पावरफुल है, उस समय तो स्थिति खराब थी और अभी भी समझदारी अभी मेरी भी कहना है, अगर मेरे पास भी पैसा पावर रहे मैं लास्ट समय तक उलझने से बचूंगा। मेरा ये फिलॉसफी होता, शस्त्र हमेशा अंतिम समय में, अंतिम से अंतिम समय में उठाइए, वो भी जब आप पे प्राण पे उंगली उठे तो। छोटी छोटी चीजों पे कोई अगर चल रहे हैं, कोई आपको टोक दिया है, कोई कुछ बोल दिया तो आप गुस्सा हो गए, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कब गुस्सा होना है, आपको कोई खुश होना है। कोई रिक्शा वाला कुछ बोल दे या फिर कोई बेवड़ा कुछ बोल दे, आप उससे रिएक्शन देने लगे, दैट मींस कि आपका माइंड या फिर आपका इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं है। तो देखिए उसके बाद 1991 के बाद क्या हुआ कि रशिया डाउन होने लगा। ठीक है, हथियारों की होड़ में क्या होने डाउन होने लगा और अमेरिका टेक्नोलॉजी में आगे निकलने लगा। उस समय तक अभी वर्ल्ड के टॉप लीडिंग पावरफुल कंट्रीज में अमेरिका ही है, टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका ही है, जीपीएस उसी का है, बहुत सारी चीजें उसी की है। ठीक है, तो अब देखिए क्वाड क्या है, तो अभी चाइना उभर रहा है, चाइना उभर रहा है। तो इंडिया का एक नीति है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वर्ल्ड जानता है कि इंडिया अगर पावर में आया, अंदर से चिढ़ेंगे लोग। देखिए आपके चार दोस्त हैं, चार दोस्त में एक पावरफुल हो रहा है तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको पता चलेगा जैसे ही पावरफुल होगा हम तीनों को दबाएगा तो आप तीनों उसे बढ़ने नहीं देना चाहेंगे। चाइना उसी तरह होता है। हमारा बॉर्डर से विवाद बहुत ज्यादा नहीं है, भूटान से भी नहीं है, नेपाल से नहीं, हम लोग मिलके माटी बेटी वाला रिश्ता के हिसाब से चलते हैं। कल्चर भूटान बौद्ध धर्म, तिब्बत बौद्ध धर्म इंडिया से ही गिरा है, पर ये क्या बोलते हैं उनको, महात्मा बुद्ध जो थे यहीं से प्रसार हुआ, श्रीलंका में बौद्ध धर्म से, क्योंकि इससे पहले था ही नहीं बौद्ध धर्म, यहीं से राइज हुआ। तो अब ये अकेला है ना, इसका देखिए उइगर मुसलमानों को इन्होंने शोषण कर रखा है, इसका फिलीपींस से विवाद है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे इंडोनेशिया वहां पर विवाद है, साउथ चाइना सी है उसको ये 9 डैश लाइन, साउथ चाइना सी है या फिर 9 डैश लाइन उसको कर देता है, वो कहता है कि ये इसका अंडर का पूरा एरिया मेरा है। समझ रहे, देखिए चाइना की पॉलिसी क्या होती है, वो 2 स्टेप आगे बढ़ता है, ये बोलता है मेरा, अगले से प्रेशर आता है तब 2 स्टेप पीछे नहीं हटता, मात्र 1 स्टेप पीछे हटता है। ठीक है, और जहां तक मेरा अनुमान है कि भारत और चाइना में अगर अगली बार कभी भी हुआ तो बहुत पीछे ढकेले जाएंगे। ये इंडियन आर्मी का मूड 1962 से खराब है, नेताओं का भी खराब है, जहां तक मेरा अनुमान है ये ढकेलेंगे ही। जब चुनाव में आया था तो जब बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में, तो मैं दोस्तों को बोला था कि उस 370 सबसे पहले हटेगा, और अगर चुनाव में बीजेपी गवर्नमेंट के गड़बड़ाने की बात हुई 2024 में तो बहुत ज्यादा संभावना है कि पीओके पे अटैक कर देंगे। पीओके पे अटैक किए, पॉपुलेशन का जो सेंटिमेंट है डेफिनेटली इधर शिफ्ट हो जाएगा और जीतने की संभावना है इसकी, उनकी पूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये काफी है, राइज कर रहा है, तो इसीलिए इसमें अमेरिका इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, अमेरिका क्योंकि वर्ल्ड पावर में अभी कौन है, अमेरिका अभी भी उसका नाम है, इसीलिए इतने दूर आके इंटरेस्ट ले रहा है। अब देखिए जापान, भाई जापान का तो खैर साउथ चाइना सी है, उसके आसपास से जो पैसिफिक रीजन है वहीं पे, ऑस्ट्रेलिया भी वहीं पे, तो इन लोग का तो फिर मजबूरी बन जाता है।
तो पहले ये एक्टिव नहीं था, 2017 के बाद एक्टिव था, क्योंकि 2017 के बाद सी जिनपिंग जो है उनका जो इस एरिया में हस्तक्षेप है काफी बढ़ने लगा। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, साउथ चाइना सी में है। ठीक है, तो उसमें ताइवान है, ताइवान को भी अपना बताते हैं, ताइवान पूरा गुस्सा आ रहा है, हम लड़ते हुए मर जाएंगे लेकिन कभी भी चाइना को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ताइवान एक अलग कंट्री है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर उसका ताइवान से विवाद है, फिलीपींस से विवाद है, कंबोडिया से है, उधर उगर मुसलमानों को करते हैं, इंडिया से तो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को लेके है ही है, तो इस तरह से विवाद, इसीलिए क्वाड ग्रुप का निर्माण किया गया है। और बेसिकली इंडिया को बहुत लोग तो पसंद कर लेंगे ऊपर उठते हुए दबे मन से, अगर आगे कोई बढ़ता है बहुत शक्तिशाली होता है तो कोई पसंद नहीं करता है, विशेष करके आपका पड़ोसी, ये जान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशन में। लेकिन चाइना को कोई नहीं करेगा, क्योंकि चाइना में ये बात कंफर्म मैसेज आते ही उसके एक्टिविटी से, इंटरनेशनल रिलेशन में बड़े बड़े वादों को ध्यान नहीं दिया जाता, किसी को पहचानना है उसकी एक्टिविटी को नोटिस करिए। ठीक है, कि लाइफ में भी हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र हूं या सहेली हूं या सहेला हूं, उसकी एक्टिविटी को नोटिस करिए। विपरीत समय में क्या वो बंदा वो बंदी आपके साथ खड़ी थी, अगर विपरीत समय में उसने दबे पाव पीछे भागा तो दोबारा उसको दबे पाव ही रहने दीजिए, बुलाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो दोबारा फिर धोखा खाएंगे। जो अच्छा मित्र होगा, रिश्तेदार होंगे, कभी विपरीत समय में आपको नहीं छोड़ेंगे, ये पहचान करने का सिंपल और सटीक तरीका। तो इसीलिए क्वाइट ग्रुप बना है, और बेसिकली बनना भी जरूरी था इसको लेके, तो क्वाइट ग्रुप इसको बना, तो हर तरफ में कन्फ्रंटेशन, इसको लेके चाइना को लेके काफी दिक्कत होने लगी, ये बना रहे दबाने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम लोग पैसिफिक रीजन में पीस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, रूट्स डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन इनका चाइना का चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, देखिए चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सबसे नुकसान क्या है कि वो बनाने के लिए ना दूसरे को कर्ज दे रहे हैं, और जब वो नहीं रिटर्न कर पाते, जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका को कर्ज दिया नहीं रिटर्न कर पाया, तो क्या वो उसके बहुत सारे पोर्ट्स को वो क्या करते हैं कि लीज भी ले लेते हैं कि 1 साल या फिर 100 साल के लिए हम उसको लीज, इनकी ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है, वो ऑफर करते हैं, वो कमजोर जो दोस्त होता है, जैसे कि आप गरीबी में हो, मेरे पास पैसे हैं तो मैं आपको ऑफर कर दूंगा, ठीक है तुम्हें काम चाहिए ले लो, लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने के बाद धीरे 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 मेरा जब प्रेशर बढ़ने लगेगा आप पे, तो फिर बोलोगे अगर नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हारे पास जो गाड़ी पड़ी हुई है मुझे दे दो, तुम्हारा जो घर है वो तुम वहां से खाली कर दो, मैं उसमें रेंट लगाऊंगा। तो इस तरह का चाइना का पॉलिसी, घरेलू एग्जांपल से आप समझिए। तो क्वाड इसको काउंटर करने के लिए है, अभी शांत है थोड़ी देर के लिए, अगर चाइना कुछ और करेगा फिर एक्टिव होंगे। ठीक है, और चाइना को आगे बढ़ने देना मूर्खता नहीं, बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ये बहुत लोगों को डिस्टर्ब करेगा, बहुत लोगों को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, इससे सभी लोग परेशान है, और जो सीज है, ओशियंस है, उसमें कभी भी किसी एक व्यक्ति का अधिकार होना ना ही सही है ना ही पॉसिबल है। कई लोगों में जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में 1962 के वार में चाइनीज आर्मी घुस गई थी, लेकिन उसको वापस जाना पड़ा था, वो इसलिए किसी घर में घुसना बहुत आसान है, रात को गए आप तलवार लेके घुस गए, लेकिन वहां साल भर तक कब्जा जमाना पॉसिबल है, कि अगल बगल पड़ोसी है कि नहीं, प्रशासन है कि नहीं, फिर आपको वहां कब्जा करने के लिए आपको भोजन पानी आवास चाहिए कि नहीं, तो घुसना बहुत आसान होता है, घुस के मार के चलेगा तो ठीक है, वहां कब्जा जमाने के लिए फिर आपको पूरी तरह से व्यवस्था करना होगा, टेंट का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, बिल्डिंग्स का व्यवस्था। तो इस तरह से इसकी पॉलिसी है क्वाड। देखिए कुल मिला के मेरा समझाना ये था, क्वाड इनका ग्रुप है, और बेसिकली माने या ना माने चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन पब्लिकली जैसे कि अमेरिका कई बार अटैक करता है, उसने अटैक किया कि हम यहाँ पीस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन उसकी मंशा कुछ और होती है, समझ गया ना। जैसे कि कोई सिंपल से एग्जांपल समझिए, आपके दोस्त आपको ले जा रहे हैं, चल शाम को घूम के आते हैं, लेकिन उनका पर्पस क्या होता है, आपसे खर्चा करवाना और कुछ खर्चा करवाना, बस इसी तरह का पॉलिसी अमेरिका अपनाता है। तो ये क्वाड ग्रुप है कुल मिलाकर, समझिए 4 लोगों का ये ग्रुप है, अभी एक्टिव है, और अगर ये फिर राइज करेंगे फिर काउंटर करेंगे। ठीक है, और बीजेपी तो छोड़ दीजिए, मोदी जी के काल में चाइना को उभरने का मौका तो मुश्किल ही मिलेगा, और अगर यह उभर भी गया थोड़ी देर के लिए तो मौका ढूंढ के डिप्लोमेटिक अप्रोच को लेके ये काउंटर करेंगे। और चाइना का जो है अब इमेज खराब हो रहा है पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट को लेके, क्योंकि उनकी कम्युनिस्ट पॉलिसी है, तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो कैपिटल है, अगर पैसा लगा रहे उनको फायदा नहीं होगा, सब बोलता है कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं चाइना में पैसा लगा रहा हूं और सरकार मेरे कंट्रोल करना चाहेगी, तो फिर क्यों मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ करोड़ों रुपए, समझ रहे इस बात को। तो ये इनका सेंटिमेंट खराब हो रहा है, तो इनका सेंटिमेंट अब भारत की ओर अच्छा शिफ्ट हो रहा है, तो ये फ्यूचर में इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है इस तरह चीजें। आई होप ये क्वाड आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।